क्रिएटिविटी का तड़का में आज हम लेके आए हैं ब्रेड से आपको अलग अलग वैरायटी की रेसिपीज दिखाने जो हमारे मेंबर्स ने रिक्वेस्ट करी थी जायका का तड़का बाय विजय हल्दिया हमारे फेसबुक के क्लोज ग्रुप में। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। वी आर बैक अगेन विद द लवली मॉम श्वेता। श्वेता आज हम बना रहे हैं रिंकू नायक एंड उदिता सूरी जी ने कि डिफरेंट टाइप का सैंडविच दिखाइए। तो आज हम स्टार्ट करें। यस, तो सबसे पहले हम इसका फिलिंग बनाएंगे सैंडविच का। सो मैं यहाँ भी मैंने एक पैन रखा है, मैं यहाँ गैस ऑन कर दूंगी, उसे स्लो गैस पे ही रखेंगे। जब ये पैन गर्म हो जाएगा अभी हम पहले एक स्पून बटर डालेंगे इधर। अगर आपको अलग अलग तरीके के सैंडविचेस चाहिए तो उसकी भी चिंता मत करिए। वी विल बी ब्रिंगिंग यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंडविच रेसिपीज वेरी सून, पर अभी आज हम ये वैरायटी आपको दिखा रहे हैं। जैसे अपना बटर मेल्ट होने आया, यहाँ मैंने 1 कप मशरूम लिया, उसको वॉश करके अच्छे से काट लिया है। मशरूम ऐसे पीसेस में काटे हैं, आप कोई भी पीस में, आप छोटा चाहे तो आप छोटा भी काट सकते हो। तो 1 बोल ऑफ मशरूम। अगर आप मशरूम खाते हैं, क्योंकि कुछ लोग खाते हैं कुछ लोग नहीं खाते, तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके अलावा भी ये सैंडविच स्पिनच सैंडविच हो जाएगा और बहुत टेस्टी और हेल्दी लगता है। सो पहले हम मशरूम के साथ, मैंने यहाँ 2 छोटे अनियंस लिए, उसको पहले सॉटे कर देंगे। ये सब फुल फ्लेम पे करेंगे हम लोग। ऑलमोस्ट 1 to 2 मिनट्स हमने उसको सॉटे किया और आप देख सकते हैं मशरूम का कलर भी चेंज होने आया है। अभी मैं यहाँ थोड़े आधा कैप्सिकम मैंने ऐड किया है, शिमला मिर्च। इसको भी थोड़ा सा सॉटे करेंगे इससे। और उसके बाद ये मैंने स्पिनच लिया है, पालक, उसको अच्छे से धो के काट लिया है तो उसको भी डाल देंगे अभी। 1 बंच ऑफ स्पिनच, ये आप कोई भी क्वांटिटी ऑल्टर कर सकते हो। ये बहुत अच्छा ब्रंच हो सकता है बच्चों के लिए, आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए। वेजिटेबल्स है, फिलिंग है इसमें, अभी मेयोनीज भी ऐड होगी, तो काफ़ी अच्छा होलसम ऑप्शन है एंड वेरी हेल्दी नो स्पिनच। हाँ, एकदम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर मस्ट फॉर एवरी किड। अभी मैं पहले थोड़ा इसमें सॉल्ट डाल अकॉर्डिंग टू द टेस्ट और फॉर अनदर 1 मिनट हम उसको सॉटे करेंगे। देखिए कि यहाँ से पूरा उसका पानी सूख जाएगा, ये देखिए, बिकॉज पालक ने और मशरूम दोनों अपना पानी रिलीज करते हैं, तो उसको तब तक सॉटे करेंगे जब पूरा ये ड्राई हो जाएगा। सो ऑलमोस्ट मैंने 2 मिनट्स को उसको हाई फ्लेम पे सॉटे किया, आप अभी देख सकते हैं पूरे इसके पानी सोख हो गया है। अभी हम फ्लेम स्लो कर देंगे उसको और हम थोड़े और थोड़ा डालेंगे। यहाँ मैंने थोड़े चिली फ्लेक्स दिए हैं, रेड चिली फ्लेक्स, ये भी ऑप्शनल है। हाँ, आप अगर तीखा नहीं खाना चाहते हो तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। दिस इज मिक्स हर्ब्स और पिंच ऑफ पेपर पाउडर, सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। क्रिएटिविटी का तड़का चल रहा है जहाँ पे हम हमारे फेसबुक क्लोज ग्रुप जायका का तड़का भाई विजय हल्दिया से हमारी मॉम्स की रिक्वेस्ट ले रहे हैं। और देखिए श्वेता यहाँ पे बना रही है। श्वेता एक पूछना था आपसे क्वेश्चन कि आइडिया कहाँ से आया आपको ये वाला? I also don't know, but मैं आपको ये बता दूं कि श्वेता के पास सैंडविचेस की रेसिपीज का खजाना है, ऑलमोस्ट 6 to 7, no 9 सैंडविच रेसिपी शी नोज। एंड हम आपके लिए सैंडविच का तड़का जरूर लेके आएंगे श्वेता के संग, उनकी सारी रेसिपीज का खजाना आपके सामने जरूर पेश करेंगे। सो देखिए अपना फिलिंग रेडी है, अभी हम गैस बंद कर देंगे, अभी अपनी फिलिंग को ठंडा होने देंगे तभी उसको ब्रेड पे लगा सकते हैं, तो एकदम कूल डाउन होने देंगे फिलिंग को। ओके, सो अपनी यहाँ फिलिंग पूरी ठंडी हो गई है तो मैं उसको जस्ट बोल में ट्रांसफर कर दूंगी। अभी यहाँ मैंने ब्रेड लिया है, व्हाइट ब्रेड, आप कोई भी ले सकते हो, ब्राउन या मल्टीग्रेन। हम सबसे पहले इसके ऊपर मेयोनीज लगाएंगे, बट ये ऑप्शनल, अगर आपको, आप मेयोनीज नहीं खाते हो तो आप बटर भी डाल सकते हो खाली। तो मैं दोनों ब्रेड पे मेयोनीज लगा दूंगी और साइड बाय साइड मैं मेरा पैन भी यहाँ लगा दूंगी, तो इसको ऑन कर देती हूँ, तब तक अपना पैन गर्म हो जाएगा। अभी यहाँ मैं इसके अंदर फिलिंग भरूंगी जो हमने बनाया है। देखिए जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में, क्योंकि हम आपके लिए अनएडिटेड वीडियो लेके आते हैं, कोई रीटेक नहीं, कोई रीशूट नहीं, जैसा है आपके सामने, गारंटी आपकी रेसिपी भी इतनी अच्छी बनेगी।
अभी अब उस पर दूसरा ब्रेड लगा देंगे और अच्छे से एक बार ऐसे प्रेस कर देंगे। मैं यहाँ पहले इसके ऊपर बटर लगा दूंगी क्योंकि हम उसको अभी तवा पे रखेंगे, तो अच्छे से बटर। आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं? यस यस, इफ यू हैव अ ग्रिलर उसमें भी कर सकते हैं, ग्रिलर, सैंडविच मेकर, कहीं कैसे भी कर सकते हैं। सो यहाँ भी रेडी हो गया अपना पैन, तो पहले मैं ये बटर वाली साइड को उल्टा रख दूंगी। और यहाँ उसके ऊपर भी ये वाली साइड पे भी बटर लगा दूंगी। सो अभी हम अपना दोनों साइड उसको सेक लेंगे अच्छे से। अभी हम सैंडविच पलट देंगे। देखिए आपको इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से सेकना है। अगर आपको भी हमसे जायका का तड़का भी कोई रेसिपी चाहिए तो हमारे फेसबुक क्लोज ग्रुप जायका का तड़का बाय विजय हल्दिया को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वहां आप अपनी रेसिपी भी शेयर कर सकते हैं। हमारे संग 2 लाख से ज्यादा मॉम्स एसोसिएटेड हैं वहां पे, और अगर आप हमसे कोई रेसिपी चाहते हैं तो वो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो अभी हमारा दोनों साइड सिक चुके, गैस बंद कर देंगे। देखिए दूसरी साइड भी अच्छे से हो गया है। सो अभी हम निकाल देंगे उसको। सो बन चुका है आपका मशरूम स्पिनच सैंडविच, हम आपको कट करके दिखाएंगे। थैंक यू टू कीर्ति कपूर जी, वन्ना अग्रवाल जी, रिंकू नायक जी, उदिता सूरी जी, जिन्होंने हमसे सैंडविच की रिक्वेस्ट करी और हम आपके लिए लेके आए हैं ये शानदार सैंडविच। सो बन चुका है हमारा हरा भरा सैंडविच यहाँ पे विद द लवली मॉम श्वेता शेख के साथ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। श्वेता यू आर रेडी फॉर द 9 रेसिपीज? यस, 9 सैंडविच रेसिपीज विद श्वेता। अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। आप इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में। मिलेंगे दोबारा, और जायका का तड़का बाय विजय हल्दिया ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बाय बाय एवरीवन।